क्या आप क्लास 10 चैप्टर 3.1 की मैथ की सॉल्यूशन खोज रहे हैं? इस वीडियो में हम केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 3.1 की सभी समस्याओं का चरण दर चरण सॉल्यूशन प्रदान करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गए। वे गोलगप्पा और दही वड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही वड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा की एक प्लेट की कीमत 10 रुपए तथा दही वड़ा की एक प्लेट की कीमत 5 रुपए है। उसने 60 रुपए खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना सुधा द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि सुधा द्वारा ली गए गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x है। पुनः सुधा द्वारा ली गई दही वड़ा के प्लेटों की संख्या बराबर y। क्योंकि सुधा गोलगप्पा और दही वड़ा दोनों खाना चाहती थी, तो हम मान लिए कि गोलगप्पा की जो प्लेट की संख्या है वो x है और दही वड़ा की प्लेटों की संख्या y है। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है, गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या तो गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x बराबर दही वड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है, तो y/2। हम एक बार फिर से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधा के द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की जो संख्या है वह दही वड़ा की प्लेटों की संख्या के आधी है, तो इसीलिए हम x बराबर y/2 लिख दिए और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः आगे क्वेश्चन कहता है, गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया, तो प्लेटों की संख्या x, तब 10 रुपए से x प्लेट का जो कीमत होगा वो 10x हो जाएगा। एक प्लेट का कीमत 10 रुपया, तो x प्लेटों का कीमत कितना हो जाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में 1 से गुना कर देंगे, 10x हो गया। जोड़ दही वड़ा के एक प्लेटों की संख्या 5 रुपया, तो y प्लेटों का, तो 5y हो जाएगा। बराबर टोटल खर्च किया 60 रुपए, तो हम बराबर में 60 लिखेंगे। हम यहां से 5 कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा ये 2x जोड़ y बराबर 60। अब ये 12 × 5 = 60 कट जाएगा, तो 2x जोड़ y बराबर 12, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। ये हमारा बीजीय हल हो गया। अब हमें इसका आलेख भी खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए हम समीकरण 1 से x बराबर y/2 है। यहाँ हम अपने सुविधा के अनुसार यहाँ y का मान रखेंगे, या हम 0 रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ हम y का मान 0 ले लेते हैं। जब हम y का मान 0 ले लिए, तब x बराबर 0/2 अर्थात ये 0 हो जाएगा। जब हम y का मान 0 लिए, तो x का भी मान हमें 0 ही मिलेगा। अब दूसरा मान हम अपने सुविधा अनुसार 4 ले लेते हैं। हम 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, हम यहाँ 4 ले लेते हैं। तो x बराबर 4/2, हम y के जगह 4 रख दिए, बटा में 2 है तो 2, जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, x और ये हो गया y। जब हम y का मान 0 रखें, तो हमें x का मान 0 मिला है। फिर जब हम y का मान 4 रखे हैं, तो x का मान हमें 2 मिला है। अब इसे हम निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं, तो a 0, 0 हो जाएगा, x का भी मान 0, y का भी मान 0, और b 2, 4, यहाँ x का मान 2 हो गया और y का मान 4 हो गया।
अब इसी प्रकार हम समीकरण दो को भी हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से 2x जोड़ y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 2x। हम यहाँ y को LHS में रख लिए और x वाले पद को हम RHS में भेज दिए। अब फिर यहाँ हम अपने सुविधा के अनुसार x का मान लेंगे, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम x बराबर मान लीजिए 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो y बराबर 12 माइनस 2 गुना 4, तो 12 माइनस 4 दूना 8, जब 12 से 8 घटा लेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। जब हम x का मान 4 लिए तो y का मान भी हमें 4 मिल गया। इसी प्रकार अब हम x बराबर 5 ले लेते हैं, तो y बराबर 12 माइनस 2 गुना 5, 12 माइनस 2 पंचे 10, और 12 से 10 घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 2। जब हम x का मान 5 लिए, हम x के जगह यहाँ 5 रख दिए, तो 2 पंचे 10 हो गया, और 12 से 10 घटा लेंगे तो हमें 2 मिल गया। हम इसका भी एक टेबल बना लेते हैं यहाँ, x और y, हम सदैव x को पहले लिखते हैं y को बाद में। तो जब हम x का मान 4 लिए, जब x का मान हम 4 लिए हैं, तो हमें y का जो मान मिला वो 4 मिला है, हम यहाँ भी 4 ही लिखेंगे। इसी प्रकार जब हम x का मान 5 लिए हैं, जब हम x का मान 5 लिए हैं, तो y का मान हमें 2 मिला है। अब यहाँ हम इसे भी निर्देशांक के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ a बराबर a का b का मान मिल गया, अब हम c का लिखेंगे, तो c भी 4 4 हो जाएगा और d हो जाएगा 5, 2। हम एक चीज सदैव याद रखेंगे, पहले हम x के मान को लिखते हैं, उसके बाद हम y के मान को लिखते हैं। तो अब हमें इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए हम सबसे पहले हैं ये वाई वाई डैश हो गया और ये एक्स एक्स डैश हो गया, ये हमारा मूल बिंदु जो जीरो होता है। अब हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 5 है, सबसे बड़ा संख्या 5 है, और माइनस में एक भी संख्या नहीं है। यहाँ 0 0, 2 4, 4 4, 5 2, ये सभी प्लस में है, तो हम प्लस वाला को ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम इसे आगे भी लिख सकते हैं या हम 5 तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। हम माइनस वाला इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि यहाँ माइनस में एक भी संख्या नहीं। तो अब यहाँ हम 0 0 एक खोजेंगे, तो 0 0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमारा मूल बिंदु 0 0 होता है, तो ये हो गया ए। बी में 2 4, 2 यहाँ और 4 यहाँ है, ये हमारा बी हो गया। अब हम ए को बी से मिला देते हैं, हम ए को बी से मिला दिए। अब सी में है 4 4, एक्स भी 4 और वाई भी 4 है, तो एक्स में 4 यहाँ हो जाएगा और वाई में 4 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया सी। और डी में 5 2, 5 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया डी। अब हम सी को डी से मिला देंगे और इसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसे हम आगे बढ़ाएंगे, जहां कट गया दोनों रेखा जहां कट रहा है उसका नाम दे देंगे P। अब ये Y में 6 के सामने कट रहा है और X में 3 के सामने कट रहा है, इसीलिए X का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा और Y का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है रोमिला एक परचून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नए प्रकार की पेंसिल और रबर देखा और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपए में खरीदी। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक रबर, एक पहले पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया। हम मान लिए कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 100 रुपया है और एक रबर का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब प्रश्न से कहता है कि 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x
रबर, तो एक रबर का दाम है ₹2, एक रबर का दाम है ₹2, तो तीन रबर का हो जाएगा ₹3, और टोटल खर्च किए ₹9, तो बराबर में 9 लिखेंगे और ये हमारा समीकरण एक हो गया। पुनः आगे कहता है, सोनाली ने रोमिला के साथ नए प्रकार की पेंसिल और रबर देखा और उसने भी उसी तरह के चार पेंसिल, एक पेंसिल का ₹100, तो चार पेंसिल का हो जाएगा ₹4, जो छ रबर, एक रबर का ₹Y, तो छ का हो जाएगा ₹6, बराबर टोटल ₹18 खर्च किया, तो ये हो जाएगा समीकरण दो। तो ये हमारा बीजीय निरूपण हो गया। अब हमें इसका आलेख भी खींचना है, तो इसके लिए हम समीकरण एक से, समीकरण एक से 2x + 3y बराबर 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x वाले पद को रख लेते हैं और y वाले पद को RHS में भेज देते हैं, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ अपने सुविधा के अनुसार हम y का मान रखेंगे, तो मान लेते हैं पहले हम y बराबर, मान लीजिए यदि हम 0 ले लेते हैं और 3 में 0 से गुणा कर देंगे ना 0, तो 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा और 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5। हम कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि दशमलव में नहीं आए, पूरा पूरा कट जाए, कोई पूर्णांक संख्या मिले ताकि हमें ग्राफ खींचने में सुविधा होता है। तो यहां हम यदि 2 ले लेते हैं, हम यहां y बराबर, या हम 0 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले लिए, तो x बराबर 9 माइनस 3 गुना 0 बटा 2। अब 9 में से 3 में 0 तो 0 हो जाएगा बटा 2, 9 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5। इसी प्रकार हमें एक और वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम दूसरा वैल्यू मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो x बराबर 9 माइनस 3 गुना 1 बटा 2, 9 माइनस 3 एक 3 बटा 2, 9 से 3 गया 6 बटा 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहां पर हमें इसे हम एक टेबल के रूप में लिख लेंगे, हम सदैव x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो यहां जब हम y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू 4.5 मिला है, और जब हम y का वैल्यू 1 रखे हैं तो x का मान हमें 3 मिला है। अब हम इसे निर्देशांक के रूप में लिखेंगे, तो ए हो जाएगा इसको 4.5, 0 और बी हो जाएगा 3, 1। हम सदैव याद रखेंगे हम एक्स वाले पद को पहले लिखते हैं, वाई वाले पद को बाद में लिखते हैं। अब समीकरण दो से, समीकरण दो से हमारा समीकरण दो है 4x + 6y बराबर 18। तो 4x बराबर 18, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, तो x बराबर 18 माइनस 6y बटा में 4 हो जाएगा। हम इस बटा में 4 को लिख दिए। अब यहाँ अपने सुविधा के अनुसार हम y का मान रखेंगे, तो मान लेते हैं कि y बराबर हम मान लेते हैं यहाँ, यदि हम 0 ले लेते हैं, मान लीजिए y का मान हम यहाँ भी 0 ले, हम अपने अनुसार दोबारा ले सकते हैं। यहाँ अगर 0 ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे समीकरण में 0 को नहीं ले सकते हैं, हम इसमें भी 0 ले सकते हैं। तो जब हम y का मान 0 ले लिए तो x बराबर 18 माइनस 6 गुना 0 बटा 4, तो 18 माइनस 0 बटा 4, और 18 से 0 घटा लेंगे तो 18 ही मिलेगा, और जब हम 18 में 4 से भाग दे देंगे ये हो जाएगा 4 × 16 4.25। ये 4.25 हो जाएगा, नहीं 4.25, 4.5 हो जाएगा। जब हम 18 में 4 से भाग देंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। अब एक और वैल्यू हम अपने सुविधा अनुसार y का लेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ हम 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 2 ले लिए, तो 18 माइनस 6 गुने 2 बटा 4, 18 माइनस 6 दुना 12 बटा 4, 18 से 12 घटा लेंगे तो मिलेगा 6/4, और 6 में जब 4 से भाग देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। हमें यहाँ y का मान जब 2 रखे तो हमें x का मान 1.5 मिल गया। हम इसका भी टेबल बना लेते हैं,
हम एक्स को पहले लिखेंगे वाई को बाद में। जब हम वाई का मान 0 लिए हैं तब हमें एक्स का जो मान है वो 4.5 मिला है, और जब हम वाई का मान 2 रखे हैं तो एक्स का मान हमें 1.5 मिला है। अब यहाँ ए और बी लिख लिए तो हम सी लिखेंगे 4.5, 0 और डी हो जाएगा 1.5, 2। अब हम इसे निर्देशांक के रूप में लिख लिए हैं, अब हमें इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में कोई भी संख्या नहीं है, और जब माइनस में कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब है कि ग्राफ में भी हम माइनस वाले संख्या को नहीं लिखेंगे, सभी संख्या प्लस में है। और यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या 4.5 है, इसका मतलब है 5 तक लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 0, 0, मूल बिंदु है हमारा ये 0। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाई वाई डैश हो गया, ये एक्स एक्स डैश हो गया। अब हम निर्देशांक को खोजेंगे, ए 4.5, 4.5 का मतलब हुआ कि ये 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में ये हमारा 4.5 होगा, 4.5। 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा ए बिंदु हो गया। अब बी खोजेंगे 3, 1, तो एक्स में 3 यहाँ और 1 यहाँ है, ये हमारा बी हो गया। जब ए और बी हमें मिल गया है तो ए और बी को हम मिला देते हैं, इस प्रकार हम ए और बी को मिला दिए। अब हम इसी प्रकार सी खोजेंगे, तो सी भी 4.50 है तो हमारा सी भी यहीं पे हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और 1.5 और 2, तो यहाँ 1 है तो 1.5 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया हमारा डी। और सी भी यहाँ और डी, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों इसी को है, अर्थात ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति का कथन की बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर एक्स वर्ष। हम मान लिए कि पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो एक्स वर्ष है और पिता का वर्तमान उम्र बराबर वाई वर्ष। अब प्रश्न से, क्वेश्चन कहा कि पिता का वर्तमान उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र वाई वाई बराबर अपने पुत्र की उम्र के 2 गुने, पुत्र की उम्र के 2 गुने, एक से पुत्र का उम्र तो कहता है 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए, 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, तो हम इसमें 30 को जोड़ दिए, ये हमारा हो गया समीकरण 1। पुनः फिर कहता है 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, तो वर्तमान में यदि वाई है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी, वाई जोड़ 10, उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र तो एक्स जोड़ 10, क्योंकि 10 वर्ष बढ़ रहा है, गुना 3 हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो वाई जोड़ 10 बराबर 3 से x में तो 3x और 10 t i 30, तो y बराबर 3x + 30। अब ये प्लस में, जब ये RHS में जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा ये 3x + 20, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हमारा बीजीय निरूपण हो गया, हमें इसका आलेख भी खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए समीकरण 1 से, y बराबर 2x + 30, समीकरण 1 हमारा यही है। हम यहाँ अपने सुविधा के अनुसार x का मान रखेंगे, यहाँ हम x का जो मान है वो 10 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ 30 है, माइनस में 10 रखेंगे ताकि हमें ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, यदि एक बड़ा संख्या आ जाता है तो हमें ग्राफ खींचने में कठिनाई होगी, तो इसलिए माइनस में लिख देते हैं। तो y बराबर 2
गुना माइनस दस जोड़ तीस, ये माइनस में 20 जोड़ 30 अर्थात ये प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 30 तो 10 हो जाएगा। दूसरा संख्या हम x बराबर मान लीजिए माइनस में 20 ले लेते हैं, तो हमें y बराबर 2 गुना माइनस 20 जोड़ 30, तो ये 10 20 दुना हो जाएगा 40 माइनस में और प्लस 30 अर्थात ये माइनस में 10। हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, x y, जब हम x का मान माइनस 10 रखे हैं तो y का भी मान हमें 10 मिला है, और जब हम x का मान माइनस में 20 रखे हैं तो हमें y का मान माइनस में 10 मिला है। a हो गया माइनस 10 कॉमा 10 और b हो गया माइनस 20 कॉमा माइनस 10। हम एक चीज सदैव याद रखेंगे, पहले हम x को लिखते हैं उसके बाद हम y को लिखते हैं। यहाँ a हो गया माइनस 10 और 10 और b हो गया माइनस 20 कॉमा माइनस 10। इसी प्रकार आप समीकरण दो से, समीकरण दो से, तो समीकरण दो है y बराबर 3x जोड़ 20, यहां भी हम x का जो मान है वो माइनस में 10 ले लेते हैं, तो y बराबर 3 गुना माइनस 10 जोड़ 20 हो जाएगा, तो माइनस 30 जोड़ 20 अर्थात माइनस में 10 मिलेगा, और जब हम x बराबर माइनस 20 ले लेते हैं तो y बराबर 3 गुना माइनस 20 जोड़ 20, ये 20 दिया है माइनस में 60 हो जाएगा जोड़ 20 अर्थात ये माइनस में 40 मिलेगा। हम इसका भी टेबल बना लेते हैं, x और ये y, जब हम x का मान माइनस 10 रखे हैं तो y का मान हमें माइनस में 10 मिला है, जब हम x का मान माइनस 20 रखे हैं तो y का मान हमें माइनस में 40 मिला है। तो अब यहाँ हम a b लिख ले, तब c हो जाएगा हमारा माइनस 10 कॉमा माइनस 10 और d हो जाएगा माइनस 20 कॉमा माइनस 40। हमें निर्देशांक बिंदु मिल गया है, अब हम इनका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक प्लेन बनाते हैं, सबसे बड़ा संख्या यहाँ 40 है, तो इसके लिए और सभी 10 20 और 40 है, तो इसके लिए हम 0 प्लस में भी, प्लस में एक संख्या है तो लिखना पड़ेगा 10 20 30 40। हम यहाँ 10 का अंतराल ले रहे हैं क्योंकि सभी संख्या 10 20 30 के रूप में है, ये y y डैश हो गया, ये x और ये x डैश, ये माइनस में 10 माइनस में 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50। अब यहाँ a को खोजेंगे, माइनस 10 और 10, तो x में माइनस 10 यहाँ है और y में 10 यहाँ है, इसको हम डैश डैश से मिला दिए, ये हो गया a। अब b में माइनस 20 और माइनस 10, तो माइनस 20 यहाँ हो जाएगा और माइनस 10 यहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो गया b। अब हम a को b से मिला देंगे, जब a को b से मिला देंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, माइनस 20 और माइनस 10, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, क्योंकि माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, यहाँ y का, यहाँ x का मान माइनस 10 और y का प्लस, y का 10 है, ये माइनस 10 और y 10, ये ठीक है हमारा a, b माइनस 20, x में माइनस 20 और ये y में माइनस 10, ये माइनस 10 नीचे हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यहां हो जाएगा हमारा माइनस 10, ये हो गया b। अब हम क्या करेंगे, a को b से मिला देंगे, जब हम a को b से मिला दिए, अब यहां c में माइनस 10 और x भी माइनस 10 और y भी माइनस 10, दोनों माइनस में ही है, तो यहां हो जाएगा माइनस 10 और ये फिर माइनस 10, ये हमारा हो गया c, ये c मिल गया। अब डी खोजेंगे, माइनस 20 और माइनस 40, तो ये माइनस 20 और माइनस 40 नीचे होगा, माइनस 40 यहां हो जाएगा ये डी। अब हम सी को डी से मिला देंगे, इस प्रकार हम सी को डी से मिला दिए, ये हमारा हो गया आलेखीय निरूपण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण x जोड़ 2y माइनस 4 बराबर 0 है,
तथा बी के पहिए का पथ समीकरण 2 x^(-12)=0 है, इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। हमें ग्राफ खींचना है तो इसके लिए एक्स जोड़ 2y-4=0 इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं, और दूसरा 2x^(4y-12)=0 इसे हम समीकरण दो मान लिए। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स जोड़ 2y-4=0 तो एक्स बराबर हो जाएगा, अभी ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो माइनस में 2y और माइनस में है 4, इसको जब RHS लेके जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम अपने सुविधा अनुसार y का मान रखेंगे, तो सबसे पहले मान लिया 0 ले लेते हैं, एक्स बराबर -2 × 0 = 4, जब हम 0 से 2 में गुणा कर देंगे तो 0 + 4 हो जाएगा, और जब हम 0 में 4 जोड़ देंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। इसी प्रकार हम y का दूसरा कोई वैल्यू 1 ले लेते हैं तो एक्स बराबर -2 - 2 = -2 गुना y का वैल्यू 1 नहीं है तो 1 जोड़ तो जोड़ और 4 है तो 4, तो -2 = -2 = 4 अर्थात ये हो जाएगा 2। हम इसका टेबल बना लेते हैं, यहाँ एक्स और ये वाई, जब वाई बराबर 0 तो एक्स का मान हमें 4 मिल गया, जब वाई बराबर 1 तो एक्स बराबर हमें 2 मिल गया। अब इसे हम निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो 4, 0 हो जाएगा और बी हो जाएगा 2, 1। हम पहले एक्स को लिखते हैं उसके बाद हम वाई को लिखते हैं। अब समीकरण 2 को भी इसी प्रकार से हल करेंगे, समीकरण 2 से 2x + 4y - 12 = 0, 2x अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस जब ये RHS जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो x = -4y / 12 और ये बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम y का मान अपने सुविधा के अनुसार लेंगे, तो मान लेते हैं जब y बराबर 0 तो x - 4 × 0 = 12/2। हम क्या कि यहाँ जो y है y की जगह हम 0 रखें, अब 0 से -4 में गुणा कर देंगे तो 0 जोड़ 12/2, 12 में 0 तो 12/2 और कटेगा तो ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम y का वैल्यू अब हम 1 ले लेते हैं, तो x = -4 × 1 = 12/2, -4 में 1 से गुणा करते हैं -4 = 12/2 अर्थात ये 8/2 कटकर हो जाएगा 4। हम इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x और ये y, जब हम y का मान 0 रखे हैं तो x का मान हमको 6 मिला, फिर y का मान जब 1 रखे हैं तो x का मान हमें 4 मिला। अब ये a और b, तो अब लिखेंगे c 6, 0 और d हो जाएगा 4, 1। ये a b और c d मिल गया, अब हमें इसका ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ माइनस में एक भी वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस वाले को छोड़ देंगे, तो ये y y' हो गया, ये x x' 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए यहाँ देखेंगे a में 4, 0 है, तो 4, यहाँ 4 है और 0 अर्थात ये a हो गया। अब b खोजेंगे 2, 1, x में 2 और ये y भी 1 है, ये हमारा b हो गया। अब a को हम b से मिला देते हैं, a को b से मिला दिए। अब इसी प्रकार c 6, 0 अर्थात x में 6 और y में 0 तो यहाँ हमारा c हो जाएगा, और d में 4, 1, 4 यहाँ और 1 यहाँ, ये हमारा b हो गया। अब हम c को d से मिला देते हैं, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरण x - y = 1 और 2x + 3y = 12 से दिए गए हैं, इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करें। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x - y = 1 को समीकरण 1 मान लेंगे और 2x + 3y = 12 है, 2x + 3y = 12 इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x - y = 1, x = 1, अब ये माइनस में जब ये RHS जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x = 1 जोड़ y हो जाएगा,
अब यहाँ हम अपने सुविधा के अनुसार y का वैल्यू लेंगे, तो मान लीजिए कि y बराबर 0, तब x बराबर 1 जोड़ 0 अर्थात ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक y बराबर एक और वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x बराबर 1 जोड़ 1, 1 जोड़ y के जगह फिर 1 रख दिए तो 1 1 2। हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं x और y। जब हम y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 1 आया है, फिर जब 1 रखे हैं तो 2 आया है। a हो जाएगा 1,0 और b हो जाएगा 2,1। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x और 3y बराबर में 12, 2x बराबर 12, अभी प्लस में जब आरएचएस जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, तो x बराबर 12 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ y का मान अपनी सुविधा के अनुसार रखेंगे, तो मान लेते हैं कि y बराबर 0, तो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 0 बटा 2, तो 12 बटा 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 6। हमें एक और वैल्यू निकालना है, तो y बराबर मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, तो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बटा 2, 12, 3 दुना माइनस में 6, 12 से 6 गया 6 बटा 2 कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। हम इसका भी एक टेबल बना लेते हैं यहाँ, x और ये y। जब y का मान हम 0 रखें तो x का मान 6 आ गया, जब y का मान 2 रखें तो x का मान 3 हो गया। अब यहाँ a b लिख चुके हैं, तो अब ये c हो जाएगा 6,0 और d हो जाएगा 3,2। हमें इनका ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है, तो यहाँ बनाएंगे ग्राफ, ये y, y डैश, ये x, x डैश, ये मूल बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ सबसे बड़ा संख्या हम देख रहे हैं कि 6 है, इससे भी बड़ा संख्या कोई नहीं है, और माइनस में भी एक भी कोई संख्या नहीं, इसलिए हम माइनस वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ a बराबर में 1, 0, x का मान 1 और y का मान 0, 1, 0, 1 यहाँ हो जाएगा और ये हमारा a हो गया, और b में 2,1, 2 यहाँ और ये 1 हो गया, ये हमारा b हो गया। अब हम a को b से मिलाएंगे, a को हम b से मिला दिए। इसी प्रकार अब यहाँ c खोजेंगे, c में 6,0, तो 6 यहाँ हो जाएगा और 0 अर्थात ये हो गया c, और d में 3,2, 3 यहाँ और ये 2 हो गया, ये d। अब c को हम d से मिला दिए, ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक व्यक्ति a बिंदुओं 0, 3 और 1, 3 को मिलाने वाली राह पर और दूसरे व्यक्ति b बिंदु 0, 4 और 1, 5 को मिलाने वाली राह पर टहलता है, इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। तो यहाँ हमें a का जो निर्देशांक दिया वो 0 और 3 और दूसरा है 1, 3, 1,3, हम इसे p कह देते हैं और इसे q मान लेते हैं a के लिए, और फिर b के लिए दिया है 0, 4 और 1, 5, इसे हम r मान लिए और इसे s मान लिए, और इसे हमारा इसका हमारा ज्यामितीय निरूपण करना है। तो इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, yy डैश, ये x और ये x डैश, ये 0 हो गया, इसमें सबसे बड़ा संख्या 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में एक भी संख्या नहीं है, इसके लिए हम छोड़ देंगे माइनस वाले को। तो 0, 3, ये 0 हो गया और ये 3, p हो गया, q में 1, 3, 1 यहाँ और 3 यहाँ, ये q हो गया। तो अब हम p को q से मिला देंगे, ये हमारा p 0, 3 है, 0 और 3, ये p और ये q, हम इसे जब मिलाएंगे तो इस तरह कुछ रेखा बनेगा p और q। अच्छा, r में 0, 4 है, 0 और 4, यहाँ 0 हो गया और ये 4 हो गया, ये r है। s 1, 5, 1 यहाँ और 5 यहाँ, 1, 5, ये s हो गया। अब हम r को s से मिला देंगे, ये हमारा a का रास्ता हो गया ये, और ये b के लिए रास्ता हो गया, तो ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
और अपने दोस्तों से भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।